फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल इलाकों में चलने वाली फैक्ट्रियां किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर हजारों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि रेजिडेंशियल इलाकों में चलती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चलती है अनऑथराइज कॉलोनीज में और गाँव में। जो लाल डोरा के मतलब इलाके हैं उसमें भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो कि चलती है, वह एक रेजिडेंशियल इलाका है। और दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में तो क्या है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना के इन फैक्ट्रियों को दे दी जाती है, गोदाम बना लेते हैं लोग, फैक्ट्री बना लेते हैं। इनके पास ना तो कोई सेफ्टी प्रिकॉशन होता है, ना ही MCD का लाइसेंस होता है, और ना ही फायर डिपार्टमेंट की NOC होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों में चलने वाली फैक्ट्रियाँ किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। और ये फैक्ट्रियाँ तब हाईलाइटेड होती है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। कोई बड़ी दुर्घटना होगी तब एकदम से पता चलता है कि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों में फैक्ट्री चल रही है, नहीं तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। MCD वाला आता है, महीना बंधा हुआ है, अपना लिया, पॉकेट में डाला, चल दिया। बीट वाला आता है, महीना बंधा हुआ है, लिया, चल दिया। कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, यह रेजिडेंशियल इलाकों में चलने लायक है या नहीं है। वैसे तो रेजिडेंशियल इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर ही नहीं सकते भाई। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एरिया बना रखे हैं, और आप कर रहे हो रेजिडेंशियल इलाकों में, तो इस हिसाब से तो वैसे इलीगल है। तो अनऑथराइज कॉलोनीज में हजारों में बोल रहा हूँ, लाखों की संख्या में है, कोई लिमिट नहीं है। हर घर में फैक्ट्रियाँ खुली हैं, इवन यहाँ तक कि आजकल तो अच्छे अच्छे पॉश इलाकों में भी रेजिडेंशियल जो भी एरिया है वहाँ पे लोग फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। तो यह दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है। पीछे आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों में आग लग रही है। आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले 2 सालों में दिल्ली के अंदर फैक्ट्रीज में फायर के 800 केसेस आए हैं, 800 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और जो रिपोर्ट नहीं हुए वो तो अलग ही होंगे। मतलब 800 केसेस दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल में आए हैं, और जनवरी 2024 में 56 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। सोचिए, ठंड के मौसम में 56 जगह आग लगी है दिल्ली के अंदर, तो गर्मी में और क्या हाल होगा। लेकिन प्रशासन की यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं है। 1 साल पहले तक तो दिल्ली गवर्नमेंट बोलती थी कि MCD हमारे अंडर में आती नहीं है, और जो भी इलीगल फैक्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी रेजिडेंशियल इलाके में चल रही हैं फैक्ट्रीज़, उन पे कार्रवाई करने का हक जो है MCD का है, और MCD हमारे अंडर नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो काम MCD को करना है, और MCD जो है BJP के अंडर में है। लेकिन पिछले 7-8 महीनों से जो रूलिंग पार्टी दिल्ली में है वही रूलिंग पार्टी MCD में भी है, तो सेम रूलिंग पार्टी है। तो देखते हैं अब जो घटनाएं हो रही है उस पर कौन जिम्मेवारी लेता है, किसकी जवाबदेही तय की जाती है। फ्रेंड दिसंबर 2019 में दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 44 या 43 लोग जल के मर गए थे, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। उसके बाद बवाना में भी हुआ था ऐसा ही, वहाँ पे भी 28 से 30 लोग जल के मर गए थे। उसके बाद आपका मुंडगा इलाके में हुआ था, आप रोहतक रोड से जाएंगे तो आज भी आपको जली हुई फैक्ट्री दिखाई दे देगी, तो वहाँ पे भी लोग काफ़ी लोग मतलब जल गए थे, कुछ लोग मतलब सीवियर इंजर्ड हुए थे क्योंकि वो 3rd फ्लोर से लोगों ने कूद कूद के जान बचाई थी, फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंच पा रही थी, या जो भी रीज़न रहा हो आग लग गई थी, तो काफ़ी लोगों को वहाँ पे नुकसान हुआ था, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद आपके उद्योग नगर में ओकाया कंपनी में लग गई थी, बैटरी बनाती है, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। अभी हाल ही में दिल्ली के अलीपुर इलाके में आग लग गई थी जिसमें भी काफ़ी लोग जल के मर गए थे, वहाँ पे पेंट बनाने का काम होता था, वह भी रेजिडेंशियल इलाके में इलीगल तरीके से फैक्ट्री चल रही थी। फ्रेंड्स इन सभी घटनाओं में 2 बातें निकल के सामने आती है। पहली बात कि फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंच पाई। भाई फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच जाती तो जान माल का नुकसान नहीं होता, मतलब उस नुकसान को मिनिमाइज किया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंची। दूसरी चीज़ निकल के आती है कि जो फैक्ट्रीज थी वह चल रही थी रेजिडेंशियल इलाके में, ना तो वहाँ पे कोई भी सेफ्टी के प्रिकॉशन लिए गए थे, ना ही कोई सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा था, ना ही फैक्ट्री का कोई लाइसेंस था, कुछ भी नहीं था, और फैक्ट्री वहाँ पे रन की जा रही थी। तो रेजिडेंशियल इलाके में फैक्ट्री रन करोगे तो वहाँ पे ना तो फायर ब्रिगेड पहुँचने का रास्ता होगा, मतलब प्रॉपर रास्ता तो होगा नहीं ना कि फायर ब्रिगेड बड़ी स्पीड में आए और फटाफट आग बुझा दे। वहाँ पे तो फायर ब्रिगेड पता चले 300 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है और पाइप ले जाके फिर वो आग बुझाना पड़ रहा है। तो इस टाइप की दिक्कतें तो दिल्ली में लगभग हर जगह हो ही रही है, क्योंकि जब रेजिडेंशियल इलाके में फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो इस टाइप की दिक्कतें आएंगी। और दिल्ली के अंदर जितनी भी रेजिडेंशियल इलाकों में फैक्ट्री चल रही है बड़े बेखौफ तरीके से चल रही है, बिना किसी टेंशन के। क्यों टेंशन लेना भाई फालतू का,
पैसे दे रहे हैं एमसीडी वालों को, पुलिस वालों को, तो क्यों टेंशन लेना। और जब जवाबदेही की बात आती है तो एमसीडी वाले पल्ला झाड़ लेते हैं, जी हमें तो पता ही नहीं था उस गली में फैक्ट्री चल रही थी, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। इस टाइप का मतलब अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाना है। एक बात सोचिए यार, किसी गली में घर बनता है, पुलिस वाले सबसे पहले पहुंच जाते हैं, एमसीडी वाला पहुंच जाता है, तब उनको पता चल जाता है कि पतली सी 10 फुट की गली में घर बन रहा है, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है उनको नहीं पता। भाई पता सब कुछ होता है, अपने पैसे लिए काम खत्म, लोग मर रहे हैं मरने दो, नुकसान हो रहा है होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको, क्योंकि अपने घर से थोड़े जा रहा है, जिसका नुकसान होता है उसको पता चलता है। लेकिन अलीपुर में हुई दुर्घटना के बाद लगता है कि सरकार की नींद खुल गई है। सरकार की नींद इसलिए खुल गई है क्योंकि अब एमसीडी में भी सेम पार्टी रूल कर रही है, तो सरकार को ये लग रहा है कि अब जवाबदेही तो हमारी होने वाली है। अब तक तो हम ये बोलते आए थे कि ये उसकी थी उसकी थी, लेकिन अब जवाबदेही मेरी होने वाली है, तो सरकार की नींद खुल गई है और सरकार कुछ कड़े कदम उठाने जा रही है। फ्रेंड्स, सरकार का कहना है, दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि अब एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज और गाँवों में डोर टू डोर जाएंगे और देखेंगे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो नहीं चल रही, कोई फैक्ट्री तो नहीं चल रही, कोई गोदाम तो नहीं बना रखा, तो डोर टू डोर जाएंगे। और यदि कोई गोदाम कोई फैक्ट्री कुछ मिलती है, कुछ भी मतलब अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के चलते हुए मिलती है, तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी। जो लैंडलॉर्ड होगा ना, यानी कि जो मकान मालिक होगा, उसने किराए पर दे रखी अपनी फैक्ट्री, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के साथ साथ जो आपके इलाके का बीट ऑफिसर होगा, उसकी भी जवाबदेही तय की जा रही है। आपके इलाके का बीट ऑफिसर, जो भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इस इलाके में और सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही हैं या फिर बिना लाइसेंस के चल रही हैं, तो वहाँ पे जाएगा और उनकी एक लिस्ट तैयार करेगा। लिस्ट तैयार करके उस लिस्ट को उसको आगे भेजना है। जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो दिल्ली सरकार है या फिर एमसीडी है या फिर डीडीए है या फिर जो भी है, उनको वह लिस्ट आगे फॉरवर्ड करेगा और उन फैक्ट्रीज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो भी इलीगल तरीके से चल रही हैं रेजिडेंशियल इलाके में। देखते हैं सरकार का ये कदम कितना कारगर सिद्ध होता है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि एमसीडी वाले जो डोर टू डोर जाएंगे, पता चलेगा अपनी जेब गर्म की, ख़त्म कहानी, क्या करना है। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि गवर्नमेंट कितनी सख्ती दिखाती है और इन फ्यूचर इस टाइप की घटनाएं नहीं होंगी, इसकी क्या गारंटी है, वो तो टाइम बताएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट को तो इन फैक्ट्रीज को रिहैबिलिटेट करने की पॉलिसी बनानी चाहिए। गवर्नमेंट ने पहले बनाई भी थी, तभी तो बवाना बसा था। बवाना क्यों बसा गया था? दिल्ली में मास्टर प्लान जब लागू किया गया था 2021, उस समय दिल्ली की जितनी फैक्ट्रियाँ थी, जो भी छोटे छोटे इलाकों में चल रही थी, उनके लिए बवाना बनाया गया था कि उनको वहाँ पर रिहैबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार थी, वो गई, मास्टर प्लान उठा के कूड़े में डाल दिया गया, कौन देखने जा रहा है। तो पॉलिसी बनी थी, लेकिन उसको कब तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये तो गवर्नमेंट को ही देखना है ना। तो देखते हैं गवर्नमेंट इसके लिए कुछ पॉलिसी बनाती है, नहीं बनाती है, इस टाइप की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी या नहीं होंगी, क्या है, तो गवर्नमेंट देखते हैं किस हद तक काबू कर पाती है। बाकी बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि सोचेंगे कि भाई दिल्ली में फैक्ट्रियां चल रही है रेजिडेंशियल इलाकों में क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया की कमी है ना। भाई दिल्ली सरकार के बहुत कम इंडस्ट्रियल एरिया है, अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया, इसलिए तो लोग रेजिडेंशियल में चला रहे हैं और उससे लोगों को रोज़गार तो मिल ही रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उनकी सेफ्टी तो दिक्कत है ही, सेफ्टी से तो समझौता हो ही रहा है। बाकी रेजिडेंशियल इलाके में जहाँ पे फैक्ट्री चला रहे हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को दिक्कत नहीं है, उनको भी तो दिक्कत है। भाई पता चले कि आपके घर के बगल में फैक्ट्री चल रही है, दिन रात धड़धड़ धड़धड़ मशीनों की आवाज़ आ रही है, पावर प्रेस लगा रखी है, चाहे कुछ भी लगा रखा है, कटिंग मशीन लगा रखी है, तो इस टाइप की मशीनें लगी है, तो रेजिडेंशियल इलाकों वालों को दिक्कत नहीं है? दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत तो उनके लिए भी है ना। अब मान लो वसंत कुंज में जाके, जैसे सपोज डेट आपने द्वारका सेक्टर 14 में फ्लैट लिया है, किसी ने फैक्ट्री लगा दी, कुछ नहीं छोटा सा वाशर कटिंग मशीन लगा दी जो मैनुअल वाली होती है, हैंड से जो चलती है, या फिर कोई पावर प्रेस लगा दी, किसी ने ग्राउंड फ्लोर ले लिया, तो दिक्कत नहीं है क्या? दिक्कत तो है ही भाई, हर चीज़ के लिए हर एरिया बना हुआ है। अब आपने फ्लैट लिया, वहाँ पे आप खेती करना स्टार्ट कर दे, खोद दे भाई, मैं तो खेती करूँगा, मैं अपने फ्लैट में खोद दूंगा उसको। एग्रीकल्चर लैंड अलग बनी हुई है, रेजिडेंशियल लैंड अलग बनी हुई है, रेजिडेंशियल के बाद फिर जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो अलग है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई है। गाँव थोड़ा है कि कुछ भी कर लो, शहर है, दिल्ली है, देश की राजधानी है, हर चीज़ के लिए उसका पर्टिकुलर एरिया बना हुआ है।
क्योंकि बहुत लोग हिमायती बन जाते हैं कि फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है, ठीक है यार रोजगार मिलता है, लेकिन किसी की सेफ्टी से समझौता करके रोजगार देना कहाँ तक उचित है ये तो आपको खुद देखना है ना। पता चला मेरे घर के बगल में फैक्ट्री है, मेरे बच्चों के एग्जाम है, दिन भर फैक्ट्री चल रही है, क्या बच्चे पढ़ेंगे यार। ये सब प्रॉब्लम जो है दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दिल्ली की लगभग लगभग सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में इस टाइप की प्रॉब्लम है, और जितने भी गांव हैं दिल्ली के वहाँ पे भी लोगों ने फैक्ट्रियाँ बना रखी है, बना बना के दे रखी है। गांव में भी ऐसा नहीं है, गांव में कम है, गांव में भी बहुत है, बहुत नाम गिनवा दूंगा। लेकिन देखते हैं गवर्नमेंट इस पे कितनी सख्ती करती है, और इन फ्यूचर इस टाइप की घटनाएं ना हो इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।